हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इस वाक्य को हमें शुद्ध बताना है। भ्रष्टाचार इधर आजकल बहुत है, आजकल भ्रष्टाचार इधर बहुत है, आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इधर आजकल बहुत भ्रष्टाचार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। नेक्स्ट है, छपे किस प्रकार का छंद है? तो छपे एक प्रकार का मात्रिक छंद है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लाल पीला होने का क्या मतलब होता है? लाल पीला होने का मतलब होता है क्रोध करना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जीत मरत झुकी झुकी परत जेहे चितवत इकबार। ये पंक्ति जिसने लिखी है उसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रसलीन, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब हमें यहाँ पर नीचे दिए हुए चार शब्दों में से विलोम शब्द बताने हैं। सृष्टि का क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम शब्द यहाँ पर होगा प्रलय, तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, अति, अति का विलोम शब्द होता है अल्प, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट हमें बताना है बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? बहिरंग का है अंतरंग। अब हमें यहाँ पर चार शब्द दिए हुए हैं, तीन के अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल है, बेमेल का हमें बताना है। जैसे कि अमृत, पीयूष, सुधा और लोचन, इसमें बेमेल जो है वो है ऑप्शन डी लोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुमन, कुसुम, चमन और पुष्प, तो इसमें जो बेमेल है वो है ऑप्शन सी चमन। नेक्स्ट है, समझ, सोम, बुद्धि, अक्ल, तो इसमें डिफर है यहाँ पे ऑप्शन बी जो कि है हमारा यहाँ पे सोम। नेक्स्ट है, कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होता है चतुर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंतर्गत के अंदर यहाँ पे विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुण्य का पर्यायवाची नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ये सारे पुष्प के हैं, इसलिए आप यहाँ पे पुण्य की जगह पुष्प कर लीजिए। पुष्प का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, पुष्प का पर्यायवाची प्रसून होता है, कुसुम होता है, सुमन होता है, पदम नहीं होता, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, लेकिन आपको यहाँ पे पुष्प करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? तो ये ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी की, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन का तद्भव शब्द क्या है? नयन का तद्भव की बात करें तो यहाँ पर है नयन। नेक्स्ट है, शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है? शिष्टमंडल के अंदर यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि मंडल की बात की जा रही है जो कि एक समूह को बता रही है। नेक्स्ट है, कल्पना से अधिक के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? कल्पना से अधिक के लिए होगा यहाँ पे कल्पनातीत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं, जहां बिना कारण के कार्य ना होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे बात करें तो वहां होता है विभावना अलंकार, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है लोरी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा? तो पत्र का तद्भव शब्द होगा पत्ता, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, आंचलित रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलित रचनाएं होती हैं हमारे क्षेत्र विशेष से संबंधित, इसलिए ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है या बहुत पूछी जाती है, ये लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब यहाँ पर 73 से 75 तक हमें समास बताने हैं। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो इसमें है बहुव्रीही समास। नेक्स्ट है, रात दिन में कौन सा समास है? तो रात दिन के अंदर समास यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमुख शब्द में यहाँ पर हमें बताना है कौन सा समास है? तो दशमुख के अंदर यहाँ पे समास है बहुव्रीही समास। नेक्स्ट है, काली आंधी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए प्रयुक्त होगा युग निर्माता, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है अनुभव होना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद की बात करें तो है इसका राइट आंसर इति प्लस आदि। नेक्स्ट है उद्रण, उद्रण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका है उत प्लस हरण, उद्रण। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है तेजोमय का सही संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद होगा तेज प्लस मय, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो ये एक प्रकार का मिश्र वाक्य है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरित मानस के रचयिता कौन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है, इसके हैं रचयिता तुलसीदास जी। नेक्स्ट है जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यान, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति भरनी है, संविधान में हिंदी को कौन सी भाषा माना गया है, तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है वो राइट आंसर है, संविधान के अंतर्गत राजभाषा माना गया है हिंदी को, राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है, राजभाषा माना गया है। नेक्स्ट है अतिथि ने भोजन करने की डैश व्यक्त की, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा इच्छा। नेक्स्ट है धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो यहाँ पे है ऑप्शन डी विचलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब यहाँ पर हमें दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन करना है। चंद्रोदय, चंद्रोदय के अंदर जो यहाँ पे संधि प्रयुक्त हुई है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गुड़ संधि। नेक्स्ट है राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है, तो यह आलोचना से संबंधित है, क्योंकि देखिए आलोचना का विवेक नाम से आप समझ सकते हैं आलोचना से संबंधित, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब यहाँ पे हमें मुहावरे दे रखे हैं, उनका हमें सही अर्थ बताना है। फिसल पड़े तो हर गंगे, इसका मतलब यहाँ पर है मजबूरी में काम पड़ना, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं नीम हकीम खतरे जान, इसका मतलब यहाँ पर यह है अल्प विद्या भयंकर, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है 100 सियाने एक मत, इसका मतलब यहाँ पर यह है बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर हमें समास दे रखे हैं, उनका हमें ये बताना है कि ऐसे कौन सा समास है जिसके पदों में विग्रह नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो अव्ययीभाव भाव कहलाते हैं। नेक्स्ट है सही शब्द का चयन कीजिए, प्रख्यात प्रख्यात प्राख्यात या प्राख्यत, तो प्रख्यात होता है सही, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं कुंद इंदु संदेह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है यहाँ पे ऑप्शन बी उपमा अलंकार। प्रेम सागर के रचयिता कौन है, तो प्रेम सागर के रचयिता है यहाँ पे लल्लू लाल, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूंगा, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो कि है अनुग्रहित। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, अग्नि आदमी स्टेशन या फिर आम, तो इसमें डी राइट आंसर है, आम एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है यथार्थ किस समास का उदाहरण है, तो यथार्थ यहाँ पे उदाहरण है अव्ययी भाव का, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का एंड लास्ट भी है, इनमें सही शब्द कौन सा है, तो इसमें जो अगर हम इसका तरीका देखें तो श्रृंगार लिखने का तरीका इस तरह से होता है, तो ऑप्शन सी राइट है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएगा, आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर जाके आप माई कॉमर्स इन्फो वहाँ पर सर्च कीजिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, अभी लिंक पर नहीं कर रही है तो आपको इसी तरह से सर्च करना होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। Thank you.